वेलकम बैक। सो हमने लास्ट क्लास में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की पहचान क्या है और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम एक फ्रैक्शन से कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट एक क्लास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की ऐसी होती है जो कि रैशनल नंबर्स में आती है, वो होती है रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग का मतलब एक समय के बाद रिपीट हो जाने वाले, एक समय के बाद रिपीट होने वाले डेसिमल्स को रेकरिंग बोलते हैं। मतलब कि डेसिमल के बाद वो एक समय के बाद रिपीट होना है। देखो कैसे, मान लो ये नंबर है 1.3131, ये यहाँ 31 के बाद 31 ऐसे एक पैटर्न दे रहा है, मुझे रेपिटेशन दे रहा है। सिमिलरली 2.33333 यहाँ पर भी मेरे को डेसिमल के बाद रेपिटेशन एक पॉइंट के बाद मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट के बाद मेरे को ये रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे जो भी क्लास ऑफ डेसिमल्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं 4/3 का, एक एग्जाम्पल देखते हैं 4/3 का। अब देखो 4/3 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, 3 1 3, यहाँ क्या बचा 10, 9 फिर से 10, 3 9। अब मुझे पता है कि मेरा हमेशा रिमाइंडर मुझे 1 मिलने वाला है, तो ये हमेशा क्या करेगा, रिपीट करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब है 1.333 को मैं एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3, क्या लिख सकता हूँ, 4/3। यहाँ से हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है ये कि लेट x बी इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट q। अब देखो वहाँ पर जब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, q किस फॉर्म में था, q वॉज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2^n इंटू 5^m। वहां पर q हमेशा किस फॉर्म में था, 2^n × 5^m। अब यहां देखो, क्या यहां पर 2 या 5 में से कुछ है, नहीं, यहां पर सिर्फ क्या है 3। सो ये प्रॉपर्टी यहीं से ही डिराइव करते हैं हम, सच दैट q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2^n × 5^m, वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो आपके पास एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन का तरीका आ गया रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। रेकरिंग डेसिमल्स में q किस फॉर्म का नहीं होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग में q हमेशा किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस ऑन दिस, बट आपको ये बेसिक फंडा याद रखना है q का, q मीन्स द डिनोमिनेटर।